प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज का वचन बहुत सुंदर वचन है। आज हमेशा हम जो है इस पर अध्ययन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, किस लिए आया? उद्धार के लिए आया। और एक ही व्यक्ति बताए, पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए। कहके लिए आया प्रभु यीशु मसीह? आनंद जीवन देने के लिए। बहुत सारे काम है, बहुत सारे उदाहरण। मैं कल बाइबल लेके बैठा था और मैं देखने लगा कि कौन सी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। और बहुत, जी हाँ, और बहुत सारे जो है आपने जो सबने जो बताया वो बहुत सही बताया। ताली बजाया हम लोगों के लिए जिन्होंने बताया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए प्रभु हमारे उद्धार के लिए आया, हमारे पापों की क्षमा के लिए, अनंत जीवन के लिए है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, भक्तों को वैसे बताता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कामों को नष्ट करे। शैतान ने जितना डैमेज किया है हमारा, जो है एक बार एक कार में हम जा रहे थे और कार में जा रहे और हम टाटा सुमो में थे और गाड़ी बड़ी ऊंची होती है वो, और जो है आम गांधी की सारी गाड़ी देख रही थी। तो एक गाड़ी को जो है हमारे एक सिस्टर सोनल है, सिस्टर सोनल ने देखा गाड़ी से कि पास्टर एक नई क्या नया मॉडल आ गया है, मारुति का नया मॉडल है। हाँ देखो देखो ये सामने जा रहा है वो नया मॉडल है। वाह रे, अरे दिख तो बड़ी अच्छी रही है नया मॉडल का, क्या सुंदर लग रही है गाड़ी। फिर मैंने टाटा मैं चला रहा था, टाटा सुमो ने जोर से ले ली और एकदम उसके पास पहुँचे तो क्या मालूम चला उस गाड़ी को पीछे से किसी ने बहुत से टक्कर मारी है। और उसे तो सुनने को लगी कि जो है एक नया मॉडल है, कोई नया मॉडल है। पीछे जब पास गए तब मालूम चला कि कोई नया मॉडल नहीं है, ये तो जो है वो वही पुरानी गाड़ी है। आज इसको किसी टक्कर मारी है तो इसका शेप ही बदल गया है। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, शैतान के हर कामों को हालेलुया नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया, हर कामों को नष्ट करने के लिए आया। जो है शैतान ने यूसुफ को जो है बेचने की कोशिश करी और उसके अपने भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, लेकिन प्रभु ने उस जो है बुरी बात को अच्छाई में बदल दिया, एक नया मॉडल बना दिया प्रभु ने उसको। हालेलुया, गुरु ने कहा कि हमने इतने सिक्कों में बेच दिया अभी यूसुफ को, अभी इसमें पार्टी करेंगे हम, चलो यार तू इतने ले, तू इतने ले सिक्के, तू इतने ले, तू इतने ले, अरे को इतने इतने आ रहे हैं और हम चलो पार्टी करेंगे। पता नहीं क्या बोले होंगे वो, आप जो है उनको बहुत सेटिस्फेक्शन लगा, हमारा शत्रु है ये, हमारे विरोध में दर्शन देखता है ये, हमारी चुगलियां खाता अपने पापा से, अच्छा वो हमने बेच दिया। लेकिन जब वो बेचा गया तो उनको लगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उनकी बुराई को भलाई में बदल दिया और उसको जहां पे वो बेचा जा रहा था उस देश में पवित्र प्रधान बना दिया। हालेलुया, एक नया मॉडल बना दिया, एक नया मॉडल। आज आपके जीवन में चाहे जितने भी धक्के, जितना भी एक्सीडेंट, जितना भी नुकसान, जितने भी धोखा, जितने भी परेशानी आपके जीवन में शैतान ने लाई है, उन एक एक को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और हालेलुया आपको एक नया मॉडल बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया शैतान के कामों को नष्ट करें। ऐसा मारा था वो मारुति कार के पीछे, दूर से लग रहा था एक नया मॉडल है, कोई नया मॉडल है। मैंने इतनी जोर से रफ्तार से चली भी थी, इतनी रफ्तार से मैंने ले ली गाड़ी, जाके देखता हूँ यार तीर्थ बस। लेकिन प्रभु जब हमको बनाएगा ना तो वो देखने भी नहीं देगा कि कोई लग गया था चोट, कोई ऐसी परेशानी आई थी या कोई तकलीफ आई थी। प्रभु हमको एक नया इंसान कर देगा। हालेलुया, देखो मैं तुम्हें नया कर देता हूँ, देखो मैं नई बात कर देता हूँ। शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, शैतान के सारे डैमेजेस जो शैतान ने आपके जीवन में किए हैं उसको दूर करके आपको एक नया मॉडल परमेश्वर देने जा रहा है, एक नया इंसान, एक नया व्यक्ति, एक नई सृष्टि प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया, तो इसलिए शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया, मैं इसलिए आया, मैं इसलिए आया। उसके दावे हैं ये और उसने दावों को पूरा करके दिखाया।
जो है बाइबल में जो है लिखा हुआ है, मत्ती उसके जो है 9:13 में लिखा हुआ है। प्रभु कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को जो है बुलाने के लिए आया। मरकुस 1:24 में लिखा है, शैतान कह रहा है प्रभु से, यीशु प्रभु यीशु से कह रहा है शैतान, शैतान कह रहा है हे यीशु क्या तुम्हें समय से पहले नाश करने के लिए आया है क्या। प्रभु जब आता है भैया जबरदस्त काम होता है। लुका उसका 9:56 में, प्राणों को नाश करने के लिए लेकिन प्राणों को बचाने के लिए मैं आया हूं, ऐसा प्रभु कहता है। लुका 19:10, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए मैं आया हूं, प्रभु कहता है। यूहन्ना 1:7 जो है बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, बाइबल में उसके बारे में लिखा है कि वो यीशु की गवाही देने के लिए आया। वाह, 3:2 यूहन्ना, लोग प्रभु यीशु से कह रहे थे हे यीशु तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो कोई चिन्ह तू दिखाता है अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कभी भी नहीं दिखा पाएगा। यूहन्ना 10:10 यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया था कि तुम जीवन पाओ और वह बहुतायत से पाओ। यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वाह, प्रभु यीशु मसीह 12:46 में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो उस पर विश्वास करेगा वह अंधकार में कभी ना रहेगा। 12:47 मैं जगत का उद्धार करने आया हूं। यूहन्ना 18:37 जह मैं जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। तो बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के दावे हैं जो कहते हैं कि मैं इसलिए आया। मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, तुम गवाही सुनाओ, तुम चंगाई प्राप्त करो, तुम धनी बनो, तुम जो है धर्मी बनो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऐसे भी दावे हैं जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए नहीं आया। बहुत सारे ऐसे दावे हैं और उनमें से कुछ 3 दावे आज हम देखने जा रहे हैं। ये जो हम तो हमेशा कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रिसमस का संदेश तो वही होता है, यीशु मसीह इसलिए आया, पापों का आया। लेकिन कभी इस बात पे प्रचार नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सेवा तुमसे करवाऊं, लेकिन इसलिए आया था कि तुम्हारी सेवा करो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण दुनिया को देखने के लिए बहुत ही अलग है। वो स्वर्ग से उतर आया इसलिए नहीं कि उसकी सेवा की जाए, लेकिन इसलिए कि वो खुद दूसरों की सेवा करे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो है पानी लिया और जो है तौलिया लेके अपने सारे चेलों के पांव धोए, प्रेज़ लॉर्ड, और उसने बता दिया सारी दुनिया को कि देखो मैं गुरु हूं और ये मेरे चेले हैं और मैं इनकी सेवा करता हूं, मैं इनको प्रेम करता हूं और इनके पांव तक मैं हाथ लगा सकता हूं, इनके पांव को मैं हाथ लगा सकता हूं। पांव को कौन हाथ लगाते हैं, किसके पांव को हम हाथ लगाते हैं, हमारे पापा बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं पांव लो। खैर हम मसीह धर्म में या मसीह संस्कृति में हम पांव नहीं लेते ज्यादा, अगर लेते भी हैं तो पांव पापा के पांव जो है आदरणीय है या उनके सामने झुकना इसलिए हम करते हैं। ये नहीं कि पापा ईश्वर है इसलिए हम कभी जो है पांव नहीं छूते कि ये मेरे ईश्वर है। हम किसी को भी ये ईश्वर है और इसलिए उनका पांव छूता है ये किसी को भी कहने के लिए प्रभु ने मना किया है। हम पापा के पांव दबाते हैं, आज जो है बहुत सारे लोग पांव लेते हैं। मेरे पापा को पसंद नहीं था ये पांव लेना, उसने कहा पांव दबा ले मेरे, कोई पांव लेने की जरूरत नहीं, पांव दबा ले तू क्या ऐसा करके तो निकल जाएगा बात, तू थोड़ा दबा ले आधा घंटा तब तो मालूम चले। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अरे पाव दबा ले मुझे पापा कहते थे मेरे, कितनी अच्छी बात। तो जो है मैं इसलिए नहीं आया हालेलुया कि मैं सेवा करवाऊं लोगों से, लेकिन इसलिए आया कि मैं सेवा करूं, कितनी अच्छी बात है। और जो है
हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, है ना। तो प्रभु परमेश्वर का वचन आज हम देखते हैं, प्रभु परमेश्वर क्या कहता है आज प्रभु की कलीसिया के, प्रभु की कलीसिया को प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है कि मेरे बच्चों हालेलुया, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, जो तुम में जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबकी सेवा करे। हालेलुया, बहुत बड़ी बात। तुम में जो पास्टर बनना चाहता है वो सबके घर में जाए, उनके लिए प्रार्थना करे। आज जगह पढ़े उस वचन को, मरकुस 10 अध्याय का 45वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। क्या बात है, क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, प्रभु कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया भैया कि तुमसे सेवा ले लूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कोई भी अपने घर ले जाता था। जक्के के घर में वह चला गया, बहुत सारे जो है महिलाएं प्रभु यीशु मसीह और उनके सारे चेलों को अपने घर में ले जाया करते थे और सेवा करते थे प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह को बहुत फरीसी लोग भी बुलाया करते थे, भैया हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर में आके प्रार्थना करो, हमारे घर में आके प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु मसीह जाते थे, प्रभु यीशु मसीह जाते थे, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, इसलिए नहीं आया कि जो है हालेलुया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप ही दूसरों की सेवा टहल करे, आप ही दूसरों के लिए जो है वो प्रार्थना करे, लोग घर में जाए, बहुत बड़ी बात है। और गिनती उसके जो है 16 अध्याय के 9 वचन से लेकर प्रभु कहता है, क्या तुमको ये छोटी बात समझ में आती है कि तुम्हारा परमेश्वर हालेलुया इतना बड़ा परमेश्वर जो है तुम्हें हालेलुया अपने सेवक के लिए अलग किया है। हालेलुया, तो प्रभु परमेश्वर सेवा का भाव देना चाहता है, सेवा भाव। जो मसीह व्यक्ति है उनको सेवा करना कभी भी बुरी बात नहीं लगेगी। हमारे चर्च में जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं और वो भी जो है सेवा करने का जब काम आता है या कुर्सी रखने का काम आता है या कुछ भी काम आता है, मैं तो कहता हूँ कि वो भी एकदम जो है नम्र व्यक्ति के जैसे सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़कों के साथ वो भी लग जाते हैं, कोई अपने पद का घमंड नहीं और कोई किसी से कोई हालेलुया गिला शिकवा नहीं। ये नहीं कि तू बहुत बड़ा है या तू बहुत छोटा है, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। कितना अच्छा लगता है ये बात सुन के। पढ़े उस वचन को, गिनती 16:9। क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इसराइल के परमेश्वर ने तुमको इसराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सिरकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा कर टहल करने के लिए अपने समीप बुलाया है। कभी आप अपने आप को छोटी बात मत समझना कि परमेश्वर ने आपको राजकीय याजक गण बनाया है, आपको पवित्र प्रजा करके चुना है कि आप चर्च में आके प्रभु की आराधना करें। क्या तुम छोटी बात समझते इस बात को जो है, कभी मूसा कहता है कभी भी छोटी बात मत समझना। योर जो है रॉयल प्रिस्टहुड, चोजन नेशन, उसके अपनी निज प्रजा। तो ये प्रभु परमेश्वर कहता है कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, यस। आज है तो इसलिए आज आपको ये सेवा करने का सौभाग्य मिला है। आज आप टॉकीज में नहीं है, आज आप सिनेमा थिएटर में नहीं है, आज आप अपने फोन पे जो है मजाक नहीं कर रहे या ये लाफ्टर चैनल में नहीं है, है ना, ठट्टा करने वाला परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाता है। आज आप बड़े गंभीरता के साथ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपको आपसे अपनी सेवा ले लें। और ये सेवा कौन सी है, ये सेवा प्रचार की है, ये सेवा प्रार्थना की है, सेवा वचन सुनने की है, ये वचन को प्रचार करने की है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। अगला वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, पढ़िए व्यवस्था विवरण 6:12। तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना।
अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना, और किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे, अकेले परमेश्वर की सेवा, अकेले परमेश्वर की सेवा, जैसे मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करता था मैं उस व्यक्ति के लिए, तुरंत दर्द खत्म होता था। घर में जाता था वो बंदा, फिर से दर्द होना शुरू हो, फिर से चर्च आता था, प्रार्थना होती थी, तुरंत दर्द बंद, फिर से घर जाएगा, फिर से जाए दर्द शुरू। बोले पास्टर क्या ये बताओ मुझे कि मैं जब यहां पे आता हूं तो एकदम दर्द खत्म होता है, और वहां घर जाता हूं तो दर्द एकदम शुरू हो जाता है। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों है? फिर मैंने कहा कि घर जाके करते क्या? फिर उसने मुझे बताया कि क्या क्या करते। बोले यही तो प्रॉब्लम है सारी, एक को मानो, तुम एक को मानो, उसी की सेवा करना, उसी के साथ विश्वास के रहना। उसने कहा ठीक है, फिर मैं आज के बाद ऐसा करूंगा। और उसने फिर बाद में जब करना शुरू कर दिया तो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी बीमारी पूर्णतः खत्म हो गई। हालेलुया, आई एम द लॉर्ड दैट हीलेथ थी, आई एम द लॉर्ड योर विश्वासी थे, जो नए विश्वासी एकदम छड़ी पे बात कर। मैंने फिर आके डांटा उनको, मैंने तुम तो परिपक्व विश्वासी हो, तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली गई है, तुम्हारे लिए तो शैतान कहां पे होना चाहिए, पैर के नीचे, क्यों डरते हो इतना? धड़ 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 भाग गया। एक बहन ने तो बाहर आके प्रार्थना, मुझे प्रार्थना करो, क्या होगा वो दुष्ट आत्मा हो तो मुझे कैसे कैसे लग रहा है। वो शैतान है, वो कितने शैतान तुम में से निकाले हैं हमने। तुम शैतान को डरते हो, प्रभु को डरते नहीं है लोग। किसको डरते हैं? शैतान। प्रार्थना चल रही, प्रार्थना कोई ऐसा नहीं ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के एकदम, अब क्या करेगा, मुझे खाएगा तो नहीं। फिर मैंने पूछा भैया कौन किस किसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली? तो बहुत सारे लोगों ने हल्ला है, तुम लोग तो अब तुमने जो दुष्ट आत्मा से निकले हुए तुम भागे मारते उसको शैतान के नाम। प्रभु ने हमको क्या अधिकार दिया है? देखो मैं तुम्हें सारी शैतानी शक्तियों पर क्या अधिकार दिया है। आप शैतान के अधिकारी है, जब तक इस पृथ्वी पर है शैतान हमारे नीचे ही रहेगा। हालेलुया, उसको ऊपर ले जाने का अधिकार नहीं है। प्रेज लॉर्ड, जब तक हमारे अंदर यीशु है तब तक हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। तो जो है एक पास्टर ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बोले बीज की उंगली जो है वो किसकी है बताइएगा? परमेश्वर की है। ये जो उंगली है जो आपके लिए अलग आ रही है ये शैतान की समझो, और ये जो उंगली है ये आप अपने आप। देखो परमेश्वर सबसे बड़ा है, उसके नीचे कौन है? शैतान। शैतान तो आपसे बढ़कर है, ये तो कोई बात हर जन जानता है। शैतान की ताकत तो बहुत बड़ी बात है। शैतान तो बहुत सारे लोगों को जो है एक मिनट में कितने सारे सदियों के बाद, सदियों का एक्सपीरियंस है उसके पास, कैसे कैसे जाल फेंकता है वो हमारे पास, कैसे कैसे टुकड़े भेजता है वो हमारे पास, क्या उन टुकड़ों के पीछे जाता रहे तो जो है वो हल्लेलुया हमें जाल में फंसाने की कोशिश करता है। उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप प्रभु के सामने नम्र होते हैं, प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, प्रभु के सामने जो है मुंह के ऊपर गिर जाते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु के सामने, किसी सामने, तब परमेश्वर की और किसकी लड़ाई हो जाती है? शैतान। और शैतान को फिर नीचा खाना पड़ता है, अपने आप नीचे आता है, और प्रभु हमारा सर
ऊंचा उठाता है। हालेलुया, ताली बजा प्रभु के लिए। ओ प्रेज द नेम ऑफ जीसस। तो इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज हमें सेवा का महत्व सिखा रहा है। सेवा, जो करेगा सेवा वो खाएगा मेवा, जो करेगा सेवा उसको मिलेगी आशीष और आशीष और आशीष। तो ये छोटी बात ना समझे आप। हालेलुया। और जो है दासत्व के घर से प्रभु ने निकाला, और परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना। उसी की सेवा करना मतलब और किसी की सेवा नहीं करना। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, और इसलिए तुम किसी की सेवा नहीं करना, परमेश्वर की ही सेवा करना। परमेश्वर तुम्हें जॉब देगा, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा और सारी आशीषों से तुम्हें भर देगा, और तुम हालेलुया अपनी परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। और अगला वचन पढ़िए, व्यवस्थापन 11 उसका 13 वचन। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। आज मनुष्य का जो जीवन है वो मनुष्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो उसकी सेवा करे। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई माता पिता की सेवा करो, माता पिता की जो सेवा करेगा परमेश्वर उस पर आशीष देगा। माता पिता की सेवा करो जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन दिया, जिन्होंने अपना जीवन आपके लिए दिया। हालेलुया, उसकी सेवा करो। उधर बैठिए आप, उधर बैठिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग बन सके। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की सेवा करने के लिए कहा। फिर से एक अगला वचन पढ़ेंगे हम। यस, व्यवस्था 13 अध्याय 14 वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। कितने अच्छा परामर्श है ये। आप इसको परामर्श समझो, सजेशन समझो या आज्ञा समझो कि तुम उसकी सेवा करो, तुम उसकी सेवा करो। हालेलुया। साउथ इंडिया में एक चर्च में एक परिवार है, और वो जो है उनकी दो बेटियां हैं, और जो है वो पापा मम्मी और दो बेटियां। तो पापा को पता नहीं प्रभु ने कहा या उसके मन में बात आई उस भाई के, वो जब भी आता है उस चर्च में ऐसी बात है कि सारे जूते चप्पल बाहर ही रहते हैं। जो है वहाँ पे खाने दिए हुए, वहाँ पे आप लॉक लगाओ, निकालो जो है आप फिर से पहनो और वो चाबी करके कोई कर लो। फिर दूसरा कोई आएगा वो लॉक खोलेगा, अपने जूते वहाँ पे रखेगा, फिर लॉक करेगा, चाबी अपने पास देगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आते हम चर्च में ध्यान कहाँ रहता है, कोई उठा तो मिलेगा। अरे यार मैंने तो 2000 का लिया है, अरे मेरा तो 10,000 का जूता है। अरे कोई ऐसा ना हो जाए 50 रुपये की चप्पल रखेगा और 10,000 का जूता ले जाएगा ऐसा। तो लेकिन वहाँ पे जो है इस बंदे के पास जो है वो सारी चाबियाँ थी, और वो एक एक जो है जूता उतारता था, उसको पॉलिश करेगा और फिर से रखेगा, फिर से जो है दूसरा जूता निकालेगा, पॉलिश करेगा, हर प्रकार की पॉलिश और हर प्रकार के रंग की पॉलिश और हर प्रकार की चीजें। अगर वो पॉलिश नहीं तो कम से कम वो जो है साफ करेगा गीले कपड़े से और फिर से रखेगा, एकदम साफ सुथरा बना के रख देगा। ये उसकी सेवा था, बहुत गरीब था। लेकिन जो है अब वो व्यक्ति जो है मुझे बताया गया है कि लाखों रुपए में अपना टाइट देता है। प्रभु ने उसको इतना ऊंचा उठाया, और जो है उसके परिवार के लोग पापा अभी मत करना है काम, बस ठीक हो गया। नहीं बेटा ये तो सेवा प्रभु ने मुझे दी है, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं बंद करूँगा, रिटायरमेंट होने के बाद भी यही करूँगा मैं। और प्रभु परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया। सेवा का महत्व अगर हम कोई समझे तो प्रभु परमेश्वर उसे बहुत आशीषित करेगा। सेवा का महत्व, प्रेज द लॉर्ड। यस, हमारे इस जीवन नगर चर्च में जितने भी बच्चे सेवा करने के लिए आते हैं,
हर रविवार हर शनिवार के शाम यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने के लिए आते हैं, आज साफ सुथरा करते हैं सब, पंखे वंखे एक दो कुछ करते हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जो है एक बेटी की अब शादी होने जा रही है, एक बेटी को जो है, ये बेटियों में से एक बेटी को जो है स्टाफ नर्स का कोर्स के लिए जो है उसका सिलेक्शन हो गया है, और जो है होली फैमिली में वो जाने वाली है, और एक एक व्यक्ति की बीमारी, कुछ कुछ बच्चे हैं उनकी बीमारियाँ खत्म हो गई है, कुछ कुछ बच्चे हैं उनके आरोग्य प्रभु ने बहुत टॉप पे लाया है। सेवा कौन सी कर रहे हैं वो बताओ, प्रेज द लॉर्ड, झाड़ू पोछा। तो ये इतनी बड़ी सेवा प्रभु परमेश्वर ने हमको दी है, इस सेवा को हम हालेलुया जो है तुच्छ न जाने। लेकिन हर एक जन को ये झाड़ू पोछा की सेवा नहीं है, हर एक की सेवा अलग है। आपको प्रचार करने की सेवा है, आपको प्रार्थना करके लोगों को लाने की सेवा है, आपको 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 जो है लोगों के लिए मध्यस्थता करने की सेवा है, और लोगों को चर्च में लाने की सेवा है, प्रचार करने की सेवा आप तो हर एक के पास है। ऐसा एक भी विश्वासी नहीं दुनिया में कि जिसको ये सेवा ना मिली हो। हालेलुया। तो इसलिए ये सेवा को हालेलुया आप जो है तुच्छ ना समझे। हालेलुया। ये सेवा मतलब एक क्रूस है। प्रभु कहता है कि क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। ये सेवा मतलब एक क्रूस है और इसको हमें आगे बढ़ना है। अगला वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 47 और 48। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर तू सेवा नहीं करेगा, तुझे सारे प्रकार के संपत्ति और सारे प्रकार के पदार्थों की बहुतायत प्रभु जब देगा, तुझे खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़े लगते देगा, जब तुझे छत देगा, जब तुझे सारी बातें भरपूरी से देगा, तो क्या होगा? उससे बढ़ना पर से तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। अगर तू सेवा नहीं करेगा तो तुझे शत्रु की सेवा करनी पड़ेगी। आगे लिखा है, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने शून्य शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाले रहेगा। अगर तू परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, शत्रु की सेवा करनी पड़ेगी। परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा तो तेरे शरीर में बीमारियां प्रभु भेजेगा, उस बीमारी की सेवा करनी पड़ेगी। परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा तो तू डरता और कांपता रहेगा। परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा तो तेरे जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा, तेरे जो है गर्दन पे जुआ आएगा, शैतान का, शत्रु का, बीमारी का, तकलीफ का जुआ तेरे ऊपर आएगा। ऐसे प्रभु का वचन बताता है भाई, प्रभु को परमेश्वर जो है वो कहता है कि जो है और जो है परमेश्वर यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। बाप रे, जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल के रखेगा। बैलगाड़ी का जुआ कौन सा होता है? लकड़ी का होता है, और वो लकड़ी बड़े स्मूथ करते हो, लकड़ी को इतना सुंदर जो है एकदम मुलायम करते हैं कि कोई जो है उनको चोटना है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे तो प्रभु कहता है कि लोहे का जुआ तुम्हारे ऊपर डालूंगा, बाप रे, और तब तुमको खींचना पड़ेगा वो जुआ, और ऐसे हालत प्रभु परमेश्वर करेगा। तो इसलिए आज सेवा करना ये हमारा सौभाग्य है। ये मैं अपने इच्छा से नहीं पढ़ रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसलिए इजराइल लोगों को परमेश्वर कहता था कि अगर तुम मेरी सेवा नहीं करोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल शैतान की सेवा करो, तुम अगर मुझे नहीं डर रहे हो। यहाँ पे प्रार्थना चल रही है, सब लोग जो है आंखें बंद कर रहे हैं, वो शैतान कर रहा है, वो कर रहा है, लोग एकदम डर रहे हैं। तुम किसको डर रहे हो? तुम परमेश्वर खुदा बाप को डर रहे हो कि शैतान को डर रहे हो? आज हमें जो है शैतान को नहीं डरना है, आज हमें प्रभु से डरना है। बस एक ही प्रभु से डरो, सारे डर और भय अपने जीवन से आजादी प्राप्त करो। या तो सारे डर भय शैतान दुष्टात्मा विरोध श्राप हर सारे प्रकार के डर भय अपने मंदिर में रखो और परमेश्वर से मत डरो। ये चॉइस इज योर्स, आपको क्या चुनना है ये आपके हाथ में। आज आपको हालेलुया प्रभु की सेवा करनी है ये आपके ऊपर। यहोशू कहता है
तुम ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। मेरे द्वारा तो भाई परमेश्वर की सेवा होगी, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करते। फिर वो कहता भी है तुमसे प्रभु की सेवा नहीं हो सकती, मुश्किल लग रहा है, बार बार तुम बड़े चंचल हो, कभी ये तो कभी ये तो कभी वो तो कभी वो कभी वो कभी वो। खिलौने की दुकान पे जब मैं जाता था तो मैंने एक खिलौना चुना, तो पापा पापा ने कहा चलो ठीक है ले लो, ये नहीं नहीं ये नहीं जरा ले लिया, फिर तीसरा नहीं पापा नहीं ये तीसरा, और आखिरी में क्या लिया पता मैंने, सबसे आखिरी में मैंने कहा खिलौना चुना पता है मुझे अभी तक याद है, जब मैं बहुत छोटा था मैंने रेजर चुन लिया था, रेजर ये रेजर बड़ा अच्छा लग रहा है, रख चल सुन लो अच्छा नहीं अच्छा ये ले लो अच्छा ले लो अच्छा। परमेश्वर के लोग वैसे चंचल लोग जो है कोई निर्णय ले नहीं सकते, कभी प्रभु की भी सेवा कर ले, कोई एक ही पूरी खाली थी पार्टो में सिर्फ एक ही पूरी खाली थी बस, फिर कोई जो वो तो मिलन भैया ना वो थोड़ा सा क्या होता है हाँ काजू का बस वही खा लिया था, बस 7 दिन की डिसेंट्री लग गई कुछ। हाँ तो ये जो है ये सब बातें बाइबल में लिखा है कि हालेलुया अगर तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे तो फिर देख लो भैया क्या करना है। हाँ लेकिन परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। हालेलुया हमारी सेवा ग्रहण हो, हालेलुया मेरी सेवा ग्रहण हो गई। मैं अपने चर्च में बचपन में अपने चर्च में जाया करता था और वहाँ पे एक बहुत जो है बुजुर्ग तो नहीं कह रहा लेकिन वो एक महिला आती थी, मैं तो बहुत छोटा था साइकिल पे जाता था, मैं वहाँ पे पहले दरी बचाया करता था, मैं चर्च में दरी बिछाना प्रभु भोज बनाना ये काम करना मैं करता था, कभी मैं जाता नहीं था तो पास्टर कहते थे मेरे पास देखे अपना प्रतिफल तुम खो जाओगे ऐसा मत करना आ जाना अगले घंटे, और उस समय तो हमारा प्रभु भोज हर संडे होता था, मैं बड़े डर भय के साथ भैया मेरा प्रतिफल जो है जाना नहीं चाहिए, अच्छा से मैंने प्रतिफल नहीं खोया और वे परमेश्वर ने अपनी सेवक के लिए बुला लिया। हालेलुया परमेश्वर आपके अपने जगह पे आपको ऊंचा उठाएगा, आप अपनी सेवा करते रहिए, आपको जो सेवा प्रभु मिलते क्या पढ़िए उस वचन को, हालेलुया ये आपकी सेवा जो है ग्रहण की जाएगी। 33:11 उसकी संपत्ति पर आशीष दे, हे यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। हाँ उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर, आज हमारे हाथों की सेवा ग्रहण होनी चाहिए भैया, जो जो हम हाथ उठाते प्रभु के लिए, जो जो ट्रैक्स हम देते हैं, जो जो हम काम कर अपने काम का दशमांश प्रभु को चढ़ाते हैं, जो जो हम जीवन नगर में आके एक घंटा दो दो घंटे प्रभु को देते हैं, प्रभु मेरे हाथों के कामों पर मेरे प्रभु मेरे हाथों की सेवा पर आशीष दे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यहोशू कहते हैं कि तुमसे परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती, परमेश्वर की सेवा नहीं हो, बड़े बड़े उस वचन को बड़ा सुंदर वचन है यहोशू 24:19 यहोशू ने लोगों से कहा तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती रे भैया, क्यों भाई, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है, जलन रखने वाला ईश्वर है, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा, वो तुम्हारे पाप और अपराध क्षमा ना करेगा। आगे बढ़िए, यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे यद्यपि वो तुम्हारा भला करता आया है तो भी वो फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। वो तुमसे सेवा नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आगे लिखा है, फिर से एक बार पढ़ना, वो बड़ा सुंदर वचन है, यहोशू ने लोगों से कहा तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। अरे भैया, अरे पास्टर जी, आप तो हमें ये प्रचार करते आते रहे हो कि प्रभु पापों की क्षमा करता है, प्रभु से माफी मांगो क्षमा कर देगा, विलम से क्रोध करने वाला है, बहुत अच्छा परमेश्वर है, तुम्हारे पापों की क्षमा कर देगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पाप
और अधर्म को अपराध को वो क्षमा न करेगा। इसका मतलब क्या मास्टर? इसका मतलब ये प्रियो कि अगर तुम्हारे पाप होते क्षमा कर देगा वो, लेकिन बार 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 वही पाप करते रहेंगे, वही पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, वही चाल चलते रहोगे, वही व्यभिचार करते रहोगे, वही गलत काम करते रहोगे। उसी तरीके से अगर गलत काम करते रहोगे, प्रभु कहता है फिर वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। अब गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस कहते हैं। एक बार गलती करी, दो बार गलती करी, तीन बार गलती करी, ठीक है प्रभु कहे माफ करो, सीख लो बेटा, सुख ले लो। लेकिन बार बार वही गलती करते रहेंगे तो प्रभु तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा नहीं करेगा। बाप रे, एक तो जो है नई इंसाइट मिली हमको। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो आपको पापों की क्षमा करेगा, लेकिन इसी बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे अधर्म और तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हें दंड देगा। क्या क्या दंड देगा वो? यहाँ पे लिखा हुआ है यदि वो तुम्हारा भला करता भी आया है तो भी फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। हाँ, अंत भी कर डालेगा। लेकिन लोग चिल्लाने लगे, लोगों ने कहा, लोगों ने यीशु से कहा, नहीं हम यहोवा की सेवा करेंगे। हाँ, हम यहोवा की सेवा करेंगे, हम यहोवा की सेवा करेंगे। ठीक है, फिर पक्का निर्णय लो तुम किसकी सेवा करोगे। तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। हमारे लिए ऐसा कोई ना कहे कि तुमसे परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। अभी तक सेवा करते आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि पास्टर वो 20 साल पहले हम प्रभु के पास आए, बहुत चढ़ाव उतार आए, बहुत तकलीफें आई, बहुत समस्या आई, लेकिन पास्टर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने, फिर से हमने कभी वो गलतियां नहीं करी जो हम पिछले दिनों में करते आए। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए सच में जो है प्रभु का धन्यवाद। तो आज हमारे जीवन में ये है, जो दुष्ट लोग हैं वो सेवा नहीं करते हैं, जो धर्मी लोग हैं वो सेवा करते हैं। आज इतनी गर्मी में आप यहाँ पे आए हो, ये भी एक प्रकार की सेवा है, ये भी एक प्रकार कल्याण, एक जो बड़ा त्याग है। और आप प्रभु को प्रेम करते हैं इसलिए आप इतने गर्मी में आए हो। आप देखो रास्ते में सब लोग जाए, सारा रास्ता खाली है। गर्मी के दिनों में बहुत दोपहर के समय कोई निकलता नहीं, लेकिन आप निकले हो दिल्ली जैसे गर्मी में। 52 दशक डिग्री बढ़ गया था, लेकिन ऐसे जगह पे आप यहाँ पे आ रहे हो, इसका मतलब जो है आप प्रभु को प्यार करते हैं। ताली बजाए इस बात के लिए। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन बताता है जय भला की 3 अध्याय का 18 वचन, दुष्ट और धर्मी में क्या फर्क है, दुष्ट लोगों में और धर्मी लोगों में क्या फर्क है। पढ़िए सुनने को। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। दुष्ट धर्मी और दुष्ट, लेकिन धर्मी और दुष्ट, धर्मी लोग सेवा करते हैं इसलिए वो धर्मी बन जाते हैं, और दुष्ट लोग सेवा नहीं करते इसलिए वो दुष्ट बन जाता है। इंसान तो वही इंसान है, वही नाक, वही हाथ, वही पांव, लेकिन वो व्यक्ति जो सेवा करता है वो धर्मी बन जाता है, और वो व्यक्ति जो सेवा नहीं करता वो दुष्ट बन जाता है प्रभु की दृष्टि में। हमारी दृष्टि में तो कोई किसी को समझ में नहीं आता कौन धर्मी है कौन दुष्ट है, लेकिन जो लोग परमेश्वर की सेवा करता, लिखा तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्टों का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। अच्छा एक बात बताओ, प्रभु परमेश्वर हमें सेवा करने का मौका क्यों देता है? क्योंकि यीशु मसीह सेवा करता था ना, तो हम चले उसके तो करेंगे। और कौन सा कारण है प्रभु यीशु मसीह आपको सेवा करने के लिए क्यों कहता है? सेवा करो, सेवा करो, ये तो वचन पढ़ते आया मेरे तक। नहीं, क्यों करता है वो ऐसा, क्यों कहता है, सेवा क्यों मांग रहा है प्रभु आपसे? प्रियो एक बात बताऊं मैं आपको, इस सेवा के कारण आप जिंदे हो, इस सेवा के कारण मैं जिंदा हूं। अगर सेवा नहीं
तो प्रभु उठा लेगा, बस हो गई तेरी सेवा यहाँ पे प्रभु, बस हो गई, चलो आ जाओ पर, आ जाओ पर, आ जाओ पर। बाप रे, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमको बार बार बीमारी से चंगाई क्यों देता है, बार बार ठीक क्यों करता है, ताकि हम और फोन पे लगे रहे, ताकि हम और सिनेमा थिएटर में जाए, ताकि हम और पार्टियों के ऊपर पार्टियां करते रहे। कभी नहीं, कभी नहीं। प्रभु हमें ताकत और शक्ति और बल इसलिए देता है ताकि हम और सेवा करें। पढ़िए उस वचन को, हालेलुया। और प्रभु का वचन मत्ती आठ उसका 15 वचन जी, उसने उसका हाथ छुआ और उसका जोर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। हाँ, उसने उसका हाथ छुआ और उसका जोर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। देखो यहाँ पे हम देखते हैं पतरस की सास ज्वर में पड़ी थी, बुखार में थी, और जैसे ही प्रभु ने उसकी बीमारी दूर कर दी, वो एकदम भागना शुरू कर दी सिनेमा थिएटर के पास। प्रभु अगर तू मुझे तंदुरुस्ती देगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरी तंदुरुस्ती प्रभु की सेवकाई के लिए होगी, हालेलुया, मेरी तंदुरुस्ती प्रभु के प्रचार के लिए होगी, मेरी तंदुरुस्ती थर्सडे प्रेयर और संडे की प्रेयर और शनिवार की प्रेयर और लोगों का प्रचार करना और लोगों के लिए जय जीना और उपवास करना, इसीलिए प्रभु मेरा ये शरीर रहेगा, तू मुझे चंगाई दे प्रभु जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा कोई कारण नहीं है आपको चंगाई देने के, अब दूसरा कोई कारण नहीं है आपको कोई वर्ल्ड ट्रिप नहीं करानी प्रभु को, ये मत सोचना कोई वर्ल्ड ट्रिप कराने वाला है प्रभु, आपको सेवा के लिए ठहराया है यहाँ पे, जीना तो मेरे लिए मसीह, मरना तो मेरे लिए लाभ है, चल भाई आ जा तू ऊपर, आ जा बस हो गया, काफी होगी तेरी सेवा, तू सेवा करना बंद कर दिया ना, चल आ जा ऊपर, आवरी हुई हकीकत है। इसलिए सेवा हमारा जय जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हमने देखा कि जो धर्मी है वो सेवा करता है, जो दुष्ट है वो सेवा करता ही नहीं, और इसलिए दुष्ट अपने आधी आयु तक भी जीवित नहीं रहेगा, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ, तो जो है सेवा करने के क्या फायदे है बताओ, फिर सेवा भाव है, यस, आप दोनों ने बताया जीवित रहेंगे। और एक जगह मैंने देखा था जो है 5-star होटल में एक बहुत बड़ा ऑफिसर जा रहा है और उसका नौकर उसकी बैग पकड़े उसी बीच में जा रहा है, मालूम चला जो है उस बड़े साहब के लिए एक जो 5-star होटल में रूम बुक किया हुआ था और उसी रूम के साथ दूसरा रूम जो था वो उसके सेवक के लिए था, इतना बड़ा ऑफिसर, कहा कि मैं अपने जय नौकर को अपने साथ रखूंगा, उसके लिए एक और रूम जो है बुक करो, और उसने अपने जय सेवक को वहां पे रख दिया, अपने असिस्टेंट को वहां पे रख दिया। हालेलुया, क्यों सेवा करने के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीषित करता है। क्या लिखा है पढ़िए ना, अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु के कौन से दो फायदे इस वचन में पढ़िए आप, यूहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। हाँ, बस प्रभु के पीछे हो ले, ये नहीं कि इधर मालिक जा रहा है और ये जा रहा है कहीं और, उसको मालिक के साथ रहना पड़ेगा, हमारा मालिक जीसस है, जीसस के साथ रहेंगे हम। आगे क्या लिखा है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वाह, इसे तो प्रभु हमें जगह बनाने के लिए गया है ऊपर, कि वहाँ पे हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जहाँ मेरा सेवक, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ मेरा सेवक रहेगा। हालेलुया, प्रियो आपकी प्रार्थनाएं प्रभु को बहुत अच्छी लग रही है, आपकी आराधना प्रभु की बहुत अच्छी लग रही है, आपकी स्तुति और स्तुति भेंट चढ़ाना और आपका 12 प्रोजेक्ट का पढ़ाना आप प्रभु के पास आना बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए प्रभु आपके लिए एक हालेलुया फ्लैट बुक कर रहा है स्वर्ग में, हालेलुया, क्योंकि आप बार बार उसको प्रसन्न कर रहे हो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने बाइबल पढ़ने के द्वारा, अपने स्तुति भेंट पढ़ने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा आप उसको प्रसन्न कर रहे हो हर रोज, और इसलिए प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। मेरा दास
हालेलुया, जहां मैं रहूं वहां मेरा दास भी होगा, मेरा सेवक भी होगा। और आगे क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। वाओ, पिता उसका आदर करेगा। दुनिया के लोग आदर करे ना करे, परमेश्वर पिता उसका आदर करेगा। तो ये दो बड़े बड़े बेनिफिट्स, बहुत बड़े बड़ी जय आशीष है, वो ये कि जहां मेरा यीशु रहेगा वहां मैं रहूंगा। दुष्ट लोग तो नरक में नहीं है, लेकिन आप और मैं जो हम प्रभु की सेवा करते हैं, आत्माओं को जीतते हैं, लोगों को चर्च में लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम तो वहीं रहेंगे जहां पे यीशु रहता है, क्योंकि वहीं पे सेवा करने वालों को बुलाएगा प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात करती हूँ। फिर दूसरी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, प्रभु कहते मैं इसलिए नहीं आया ताकि सेवा टहल करवाऊं तुमसे, लेकिन इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारी आज सेवा में करूं। तो दूसरी बात, दूसरा प्रभु का जो है दावा, प्रभु कहता है कि हालेलुया, मत्ती उसी 5:17 पढ़िए। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा गुणधर्म हम देख सकते हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञा का पालन करने वाला था। ताली बजा प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से ताली बजाओ। शाबाश, जो सो रहे हैं जोर से बोलो हालेलुया। जग रहे हैं सब, सब लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं फिर बात करते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं बोलना, अभी तो मैं जग रहे हैं। तो प्रभु परमेश्वर कहता है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक नियमों को पूरा किया और इसलिए बाइबल की सारी आज्ञाओं का पालन करना, हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, हमारा एक कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। अब जो है ज्यादातर लोग जो है ना सारे नियम पालन करते हैं, लेकिन जहां दशमांश की बात आती है वो डर जाते हैं दशमांश के लिए, चमड़ी जाए लेकिन तो जो है वो देने के लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो गरीबी के जो है बंधन में पड़े रहते हैं। पूरा दशमांश नहीं दे पाते, पूरा दशमांश नहीं दे पाते, लेकिन क्या ही धन्य है वे लोग जो प्रभु को पूरा दशमांश देते हैं, और पूरा दशमांश दे के वो बहुत बड़े बड़े प्रमोशन परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं का पालन करके परमेश्वर ने उसको वो जगह दी, जो सब वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो जगह दी, अपने दाहिने ओर बिठाया उसको, बड़ा सिंहासन दिया, क्योंकि वो आज्ञा का पालन करने वाला था। हमारी बाइबल में लिखा है कि तुम एक भी आज्ञा पालन नहीं करोगे, सारी आज्ञा पालन करोगे और एक ही नहीं किया तो तुम भी स्वर्ग में जाने, वो एक पाप तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए रोक सकता है। इसलिए चाहे वो दशमांश की आज्ञा हो, चाहे वो जो है कोई भी आज्ञा हो, बाइबल की हर आज्ञा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डाउनफॉल उन लोगों का होना शुरू हो जाता है जो दशमांश देना बंद कर देते हैं। अपने आप को पूछो कि मैंने पिछली बार कब दशमांश दिया था, मैं इतना कमा रहा हूं, इतना पैसा ला रहा हूं, लेकिन दशमांश नहीं दे रहा। दशमांश की चोरी कर रहे हो तुम, प्रभु शिकायत करता है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह हम देखते कि अगर आप देखें अब्राहम को भी, अब्राहम भी परमेश्वर की सेवा करता रहा। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, हाँ प्रभु, अपने पिता का घर छोड़, और जिस देश में तुझे कहता हूं उस देश में चल, और वो उसने घर छोड़ दिया। उसको प्रभु ने कोई एड्रेस नहीं दिया था कि मैं तुझे इजराइल देश देने जा रहा हूं, मुझे ये देने जा रहा हूं, लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके वो चल बसा, और उसने परमेश्वर ने उसके परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। क्या लिखा पढ़ी उस वचन को, उत्पत्ति 26 उसका 30 अध्याय, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा
और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया है। वाओ, इब्राहिम ने मेरी मानी। आज कैलवरी चर्च को हर एक सदस्य के लिए दवाई दी जाए प्रभु के द्वारा कि कैलवरी चर्च के लोगों ने मेरी मानी, मेरी बात मानी, मेरी विधियों को माना, मेरी आज्ञाओं को माना, मेरे हर एक नियमों को माना, मेरा डर भय माना। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर जो है, अब परमेश्वर जो है ये दशवांश की आज्ञा देता है। पढ़े उस वचन को, व्यवस्था 27:30, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का, वो यहोवा ही का है और वो यहोवा के लिए पवित्र है। हाँ, इसराइल लोगों को परमेश्वर ने जो है वो आज्ञा दी थी। फिर कैसे अब्राहम जो है दशवांश देता है, जो है पढ़े उस वचन को, इब्रानियों 7 अध्याय का पहला 1 और 2। ये मेलकीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने इस उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दशमांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम की देह के क्यों ना हो ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशमांश ले। पर बस, इसने बस, यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम ने दशमांश दिया और दशमांश देने के द्वारा परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। इतनी बड़ी आशीष दी, इतनी बड़ी आशीष दी कि अपने जमाने में वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था ठहरा। हालेलुया। और उसका इतिहास बनाया, उसने इतिहास बनाया। आज अब्राहम के साथ जितने सारे लोग थे उनका इतिहास ज्यादा नहीं है जो इब्राहिम के बारे में बताया जाता है, कैसे परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि सिर्फ दशमांश का, पैसे का दशमांश नहीं, अपने समय का भी दशमांश हम प्रभु को दे। हालेलुया। और परमेश्वर जो है आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञाएं, बहुत सारी आज्ञाएं हैं, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, ऐसा जो है प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया। पढ़िए उस वचन को, मत्ती मेरे ख्याल से 22 अध्याय का जो है 36 वचन से लेकर। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या होती है, देखो, ये है परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। तीसरी बात बता के मैं बंद करूंगा। पहली बात मैंने आपको बताई थी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने कहा कि जो है ये सारे भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को लोप करने के लिए नहीं आया, व्यवस्था को और जो सारे नियमों को खत्म करने के लिए नहीं आया, पूरा करने के लिए आया। और अब तीसरी बात मैं बताऊंगा, वो ये, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए उस वचन को, पढ़िए क्या प्रभु का वचन बताता है। यूहन्ना 6:30, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यस, पढ़िए पढ़िए। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
की जो है प्रभु की इच्छा क्या है। आलोदय वो कहता है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरा, प्रियो यीशु मसीह स्वर्ग से मरियम माता मरियम के गर्भ में आया। जो है वो कुंवारी थी उस समय। आप प्रभु कहता है कि मैं इसलिए स्वर्ग से उतर आया हूँ, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। आज हमें भी ये कहना चाहिए, मैं अपने सारे अरमानों को एक जगह रखता हूँ, ऐ खुदा और तू क्या चाहता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तू जो चाहेगा वही मैं अपने जीवन में करूंगा, अपनी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर तेरी इच्छा उत्पन्न कर। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं भाई, तो परमेश्वर एक काम करता है, अपनी इच्छा, प्रभु की इच्छा और आपकी इच्छा वो एक कर देता है। आप वही चीज मांगना शुरू कर देते हो जो परमेश्वर चाहता है कि आपको मिले। लेकिन जब कोई प्रार्थना नहीं करता, आराधना नहीं करता, संगति नहीं करता, स्तुति भेंट नहीं पढ़ता, बाइबल नहीं पढ़ता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन नहीं देता, तो उसके अरमान कुछ अलग ही होता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। क्यों? उन्होंने परमेश्वर की हेल्प ली नहीं, परमेश्वर की मदद ली नहीं, परमेश्वर के साथ बैठा नहीं, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करी और इसलिए वो क्या करता है, वो अपने जीवन में सत्यानाश उसके जीवन में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स लोगों को, वे परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे। प्रेज द लॉर्ड। यस, मैं कभी भी जो है मेरे बच्चों को मैंने कहा कि देख तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें जो कहेगा ना वो कर बना, प्रभु जो तुम्हारे प्रभु की इच्छा के अनुसार तुम करोगे तो प्रभु उसके लिए रास्ता भी खोलेगा, पैसा भी देगा, सब कुछ करेगा। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। तुम पहले प्रार्थना करो, क्या तुम चाहते। पास्टर अब्राहम के लिए मैंने जो है 35-40 हज़ार का जो है वो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए मैंने पैसे दे निकाले और मैंने जाने वाला था। सर जो है बड़ा फॉर्म था, वो फॉर्म भरा और जब मैंने फॉर्म लेके आया भरा, भरने लगा पापा पापा हाँ मुझे प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है। अच्छा तो मैं बाइबल कॉलेज जाऊँगा, मुझे आप जो है कंप्यूटर कोर्स में मत भेजिए, मैं बाइबल कॉलेज जाऊँगा। मैंने कहा देखो तेरा निर्णय होना चाहिए, आप क्या चाहते हो आप देखो, आप प्रभु से प्रार्थना करो। हाँ बाबा मैं निर्णय ले लिया। जलने भी पूछा तू सक्सेस बता दे क्या चाहता बेटा, और उसने यही कहा कि मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगा, प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर जो है उसको अपनी सेवा के लिए बुलाया। अब इंग्लैंड में कोई व्यक्ति उसको बुला रहा है कि आप हमारे चर्च में आओ और यहाँ पे वर्शिप लीडर बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करता है। तो इसलिए हालेलुया प्रभु परमेश्वर जो है हालेलुया। फिर प्रभु के जो नाते रिश्ते जो होते हैं ना, प्रभु के जो नाते रिश्ते वो उन्हीं के साथ होते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। आप जरूर कहेंगे नहीं 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 प्रभु का मैं प्रभु का मैं प्रभु का मैं प्रभु का मैं प्रभु का, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे उसने अपने सगे माँ बाप को जो है पहचाना, सगे माँ बाप सगे भाई बहनों को उसने जो है अपना नहीं कहा, तुम्हें क्या कहेगा वो पड़ी पड़ी उस वचन को जो है। हाँ मरकुस 3:31 और उसकी माता उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन है, मेरी माता और मेरे भाई कौन है, और उन पर जो उसके आसपास समीप बैठे थे दृष्टि करके कहा देखो मेरी माता मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हर रोज एक एक दो दो घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, हर रोज दो दो घंटे बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका जीवन इतना स्मूथ हो जाएगा और आपके बड़े बड़े पहाड़ आप आराम के साथ हटा पाओगे, आपकी बड़ी बड़ी लड़ाइयां प्रभु लड़ेगा और आपके साथ प्रभु रहेगा।
प्रभु कहेगा ये मेरी बेटी है, प्रभु कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है। बुजुर्ग महिला को प्रभु कहेगा ये मेरी माता है। ताली तो बजाओ इस बात के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आपको अपना रिश्तेदार बनाना चाहता है। उसके माँ और उसके भाई बहन आए, प्रभु ने उनको तुच्छ नहीं जाना, बल्कि प्रभु ने क्रूस पर भी माता को याद करके कहा, हे माँ देख तेरा पुत्र, दीवाना ये तेरी माँ, आप जो है उसकी जिम्मेदारी उसके हाथ में कराई। प्रभु ने तुच्छ नहीं जाना उनको, लेकिन प्रभु उनको सबसे ज्यादा करीबी जानता है जो उसकी इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह कहता है मैं अपनी इच्छा से नहीं चलता, रहे पिता की इच्छा से चलता हूं। आज प्रभु परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए एक मौका देता है। ये मौका है प्रभु, क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर जो है यही चाहता है, और प्रभु नहीं चाहता कुछ और जय वो करे। हालेलुया। जो लोग शरीर के पड़ी सुच अगला वचन इफिसियों 6:5 से लेकर, हे दासो जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सदाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। वाह, यहाँ पे सेवा का महत्व बताया गया है। अच्छा एक बात मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सेवा करना मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मतलब क्या? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मतलब क्या? शाबाश, वेरी गुड, यस। आओ हम देखें वो 8 बड़े बड़े हीरे आपके हाथ में पकड़ने जा रहा हूं। आइए बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की इच्छा मतलब क्या? परमेश्वर की इच्छा मतलब आप अपने जीवन में कैसी पूरी कर सकते हैं? और ये जो कुछ बताऊंगा मैं बाइबल के आधारित बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि वो वचन आप पढ़े, ये कौन सा वचन प्रभु परमेश्वर के अनुसार जो है वो लिखा हुआ है, प्रभु क्या चाहता है। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा मतलब का 36 वचन, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। पर दाऊद ने दिखाएंगे क्योंकि दाऊद जो है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या इच्छा की रही प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके अपनी अपने जमाने में प्रभु की सेवा करके वो सो गया। मतलब हमारे लिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु की सेवा करना ये परमेश्वर की इच्छा है। शैतान की सेवा करें ये शैतान की इच्छा है, मनुष्य की सेवा करें ये मनुष्य की सेवा इच्छा है, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हम अपने माता पिता की भी सेवा करेंगे, सारे फॉर्मेलिटीज हम पूरे करेंगे, सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, और हम जिस जिस जिम्मेदारी के साथ हम जन्मे हैं वो पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे दाऊद अपनी सेवा करके सो गया और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने किया, हम भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। दूसरी बात, परमेश्वर की सेवा करना मतलब इस पे दो वचन देखेंगे हम, और पहला वचन है पहला यूहन्ना उसके 5:14 वचन, और हमें उसके सामने जो भाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हाँ, दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा मतलब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा की इसलिए प्रभु कहता कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। प्रभु कहता कि अब तक तुमने कुछ मांगा ही नहीं, अरे तुम मांगो ना, मेरे नाम से मांगो पिता के पास, क्या चाहिए तुमको, बार बार मांगते रहो, आराधना करते मांगे रहो, बाइबल पढ़ने के बाद मांगो। जो है वो अन्याय न्यायाधीश करके से नाक में दम कर दिया उस औरत ने, वैसे आप बार बार मांगो प्रभु तुम्हें जरूर देगा, प्रभु तुम्हें जरूर देगा। तो दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा मतलब ये है कि हम प्रार्थना करें। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे और वो है रोमियो 8:27 वचन, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है,
क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, विनती करता है। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो वो हमारे द्वारा प्रार्थना करवाता है। सुबह सुबह जब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आता है, मैं घंटों बैठता रहता हूँ, घंटों प्रार्थना करता रहता हूँ। जो है मेरे गला दो दो तीन तीन घंटे लगातार चलता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु की प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा सुबह सुबह मेरे ऊपर आता है, और पवित्र आत्मा जब मेरे ऊपर आता है तब कोई रोक नहीं सकता, तब कोई टोक नहीं सकता। मैं फिर जो मस्त आराधना करता हूँ, मैं जो मस्त प्रभु की प्रार्थना करता हूँ, और जब प्रार्थना करने के बाद में जो भी काम करूंगा आराधना करते हुए, आगे जो भी काम करूंगा प्रभु की स्तुति करते हुए, मेरा मूड सुबह सुबह इतना अच्छा होता है। गाने गा लेता हूँ, प्रभु की प्रार्थना कर लेता हूँ, कलवरी कलीसिया के नाम ले लेके उन लोगों के लिए प्रार्थना कर लेता हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति जब किसी के ऊपर आती है तो वो उसको प्रेयर वॉरियर बनाता है। प्रेयर वॉरियर, आई एम प्रेयर वॉरियर, मैं प्रार्थना योद्धा हूँ। हालेलुया, और कलवरी चर्च के हर एक व्यक्ति प्रार्थना योद्धा बने। बहुत सारे लोग सुबह जब उठते हैं ना एकदम डर लगता है, शैतान तो एकदम उड़ने के बाद ही तुम्हें इतना बीपी देना शुरू कर देता है, इतना बीपी देता है, इतना जो है आपको दबा देता है वो। अरे सुबह आराधना करके देखो, सुबह प्रार्थना करके देखो, सुबह स्तुति पेट पढ़ के देखो, सुबह बाइबल पढ़ के देखो, आपका सारा दिन अच्छा जाएगा, आपका दिन जो है प्रभु आशीषित करेगा, शैतान के सारे हमले एकदम नष्ट करेगा प्रभु। प्रभु कहता है तू मेरी आराधना कर रहा है ना, मैं तेरे आगे आगे जा रहा हूँ, तेरे ऑफिस में सारे दुश्मनों को तुझे निट करूंगा, ठीक करूंगा, उसको कुचल दूंगा मैं। अरे युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है प्रभु कहता है। हालेलुया, इस युद्ध में तुझे लड़ना होगा, क्योंकि तूने मेरी बहुत आराधना कर लिया, आज आज तूने बहुत गाने गा लिए, आज तूने बहुत बाइबल पढ़ लिया, आज तूने दो बार स्तुति भेंट पढ़ ली, बस 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 कर तू प्रति बस कर, अब देख तू क्या होने वाला है। और प्रभु चमत्कार करता है, फिर प्रभु दया करता है, फिर हालेलुया। क्यों? जो है दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, हालेलुया, और वो यह है, उसकी इच्छा यह है कि हम परमेश्वर के, हालेलुया, परमेश्वर की पहचान में बढ़े, है ना। मैं कल से कुलुसियों 1:9, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने या विनती करने से नहीं चूकते। क्या प्रार्थना करते भी? क्या विनती करने से नहीं चूकते? कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाओ। अब मैं जॉली कितने साल, 30 साल से ज्यादा हम दोनों साथ में रहते हैं। मुझे बताया जॉली कौन सी सब्जी अच्छी लगती है। पहले वो जब शादी होके आई उसको कद्दू की सब्जी अच्छी लगती थी, अब उसकी चॉइस बदल गई, अब चिकन अच्छी लगने लगा उसको जब से मेरे साथ रहने लगी। शादी के पहले तो एक टुकड़ा चिकन नहीं खाया था उसने। मैंने कहा भाई इसको क्रिश्चियन तो बताऊंगा मैं। धीरे धीरे जो उसको मैंने चिकन सूप पिलाया, कैसे कैसे क्या कुछ कराया, क्या क्या करा क्या नहीं करा मुझे आप मुझे मत पूछे कर। लेकिन आखिरी में जो है मैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा मैं सर लेके बैठा, बोला अरे मैं तो पास्टर हूँ, अब क्या कैसे करूँ मैं, शादी तो हो गई, पूछा ही नहीं मैंने कभी कि तुम चिकन खाती हो कि नहीं खाती हो, तब मालूम चला जब शादी हो गई, अब क्या करें, कैसी कैसी प्रार्थनाएं करी मैंने उसके लिए, और क्या प्रभु का धन्यवाद की जो है अब उसकी चॉइस बदल गई। उसकी हर एक जो अच्छी सब्जी लगती है, जो अच्छी लगती है उसको मुझे मुझे पता, मुझे कौन सी अच्छी सब्जी लगती है, मुझे पालक और भिंडी गवार और ये सारी सब्जियाँ, हाँ चिकन ऑफ कोर्स, नॉन वेज भी, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है उसको पता है। अभी हम एक दूसरे की जो है पूरा पहचान गया हूँ मैं, जॉली को क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है उसको पता है। उसी प्रकार हमारे परमेश्वर के इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। जब आप प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु की संगति करोगे, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, गीत गाओगे, स्तुति भेंट पढ़ोगे, 12 बजट के लिए प्रार्थना करोगे, तो क्या होगा, तब जो है लिखा है कि परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया,
आज हमें अपने परमेश्वर के इच्छा को उसकी में परिपूर्ण होना चाहिए कि भैया उसको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। जब पापा जो है घर में आते थे, अगर मैंने कुछ गलत करा नहीं है, एकदम पापा को जाके लिपक जाऊंगा, पापा ये पापा ऐसा पापा ये, अगर भी गलत करा है इमली की पेड़ पे अगर चढ़ाऊंगा और मम्मी ने अगर देख लिया है, अगर मम्मी ने कह भी दिया आने दे तेरे पापा को, अब दिखाती हूँ अरे तुम्हारा तब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, अरे क्या करूँ। फिर मम्मी के साथ बैठे, मम्मी कैसे ये रोटी, मम्मी ऐसे है, मम्मी क्या लाओ, मम्मी तुझको मैं मम्मी समझ जाती थी कि यह आज थोड़ा डरा हुआ है। परमेश्वर के लोगों, मेरे पापा को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता मुझे पक्का पता था। अब अगर मैं उसके अनुसार करेंगे तो मैं पापा के साथ एकदम खुश रहूंगा, फिर मुझे कोई गलती नहीं है, मेरे पापा को कोई रोक नहीं सकता, मेरे पापा मेरे पापा के पास जाने की कोई रोक सकता। लेकिन अगर मैंने कुछ बात गलत किया है और जो है मेरे जो है मेरी चुगली खाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, पांच पांच लोग थे, भाई तो बाहर रहता था, चार बहने और एक माँ, बाप रे। लेकिन फिर भी मैं कभी मानता रहता, मैं अपने जो कुछ करना को कर लेता, देख लेंगे खा लेंगे दो मिनट के मिनट के बाद। खैर, तो आज आप तो प्रभु के प्यारे लोग हो और आपको प्रभु के इच्छा की जो है परिपूर्ण जो है ज्ञान आपको मिलना चाहिए। हालेलुया। चौथी बात जो है पहला तिसलनकियों और चौथा अध्याय का तीसरा वचन, परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। बहुत सारे लोगों को लगता है व्यभिचार करते रहो यार चलता रहे, आए दिन गए दिन आए दिन गए। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, तुम व्यभिचार करो, तुम चोरी करो, तुम गलत काम करो, तुम गंदे तरीके से कुछ भी करना है करो यार करो, ये मूर्ख कहता है। लेकिन धर्मी लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, धर्मी लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और ये व्यभिचार मतलब बहुत सारी बातों में, व्यभिचार मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ विश्वास करके ना रहे, व्यभिचार मतलब ये कि परमेश्वर को छोड़ के किसी और के पास जाए उसकी प्रार्थना करे या उसे आराधना करे, ये व्यभिचार नहीं आता है। और बहुत बड़ी संज्ञा है ये, तुम पवित्र बनो, तुम सिर्फ मेरे बने रहो, ऐसा प्रभु कहता है। हर पत्नी को लगता है कि उसका पति उसी का बना रहे, हर पत्नी को लगता है कि उसका उसकी पत्नी उसी की बने रहो, यही तो प्रभु कहता है। जैसे तुम मेरे अपने हो वैसे तुम अपने पति पत्नी के एक हो जाओ, एक मन हो जाओ। अब जो है तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तुम्हारे अंदर शैतान जो काम कर रहा है धीरे 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 वो मिट्टी मिट्टी कल्पना दे रहा है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, उस अभिलाषा को जन्म नहीं मान दो, गंदी अभिलाषा को वही तोड़ के मार के फेंक दो। और इसलिए तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के वचन अधिकारी से बसने दो ताकि वो अभिलाषा को जगह ही ना मिले। हालेलुया। पांचवी बात, परमेश्वर का परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा मतलब भले काम करना। पढ़िए पहला पत्र दूसरा अध्याय 15 वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोग तो कुछ उल्टा सीधे काम करते रहते हैं और हम क्या करते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, देखो उसने ऐसा करा, अरे देखो उसने ऐसा करा, अरे देखो गलत काम कर रहा है, अरे तो गलत काम कर रहा है, अरे वो गलत काम कर रहा है। और जब आप वो टीवी के ऊपर या सॉरी टीवी या जो फोन के ऊपर बार बार वो यूट्यूब की गंदे चैनल और गंदी चीजें देखते रहते हो, वो जो सारे जो है लाफ्टर चैनल और गलत गलत बातें देखते रहते हो, तो शैतान कहता है कि देख ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ये भी हो रहे थे, और मैं तुझे परमाना देता हूँ, मैं तुझे लाइसेंस देता हूँ, तू भी कर रहे जल, ऐसे शैतान हमको कहता है। और इसलिए आप जो प्रोग्राम देखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो मनोरंजन का भी कार्यक्रम है तो वो ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो न्यूज देख लो लेकिन बाकी सारी आत्मिक बातें देख लो, आत्मिक बातें जो भी अच्छे लोगों के द्वारा गलत लोगों के द्वारा नहीं, तो वो भी आपके अंदर जो है ऐसी कड़वी जड़ फूट निकलेगी, ऐसे कंफ्यूजन आ जाएगा।
मुझे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन जैक सुनाना पड़ता है मुझे, बस ये ऐसे ये तो हुआ, वो तो ये कह रहा था, वो तो ये कह रहा था, मतलब ये तुम मत दिया करो चीज़ें, उसको देखने के कारण तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन आ गया। तो भले काम करना ये परमेश्वर की इच्छा। छठवीं बात, पहला पत्रस चौथा अध्याय का 19 वचन, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम दुख उठाए। हाँ, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। आज अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए तो मैं कह रहा था कि भैया उपवास करो, आज ये कारण है इस सप्ताह में हम इसके लिए उपवास करेंगे, हम वो कारण है उसके लिए उपवास करेंगे, एकदम एक मन हो जाओ, एकदम उपवास करो, एकदम प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना से अगर, आपके दुख उठाने से अगर सारा दिल्ली बदलने वाला है, सारा भारत पर प्रभु यीशु के पास आने वाला है, शैतानों की जो कुर्सियां हिलने डुलने वाली है, शैतान जो है गड़बड़ा के गिरने वाला है, मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। अगर आपकी दुआ के द्वारा अगर ऐसा होने वाला है तो भैया क्यों ना करें हम दुआ, हम जरूर दुआ करेंगे। दुआ करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आपके घर में आया और आपने कहा कि मेरा ये कमरा है, यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करती हूँ, दरवाजा बंद करके प्रार्थना करती हूँ, मैं ऐसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मुझे तो वो फीलिंग आ गई जैसे जो है मूसा अपने वो तंबू में जाया करता था और बाहर बादल दबा के खड़ा हो जाता था। मैंने कहा वाह, अरे ये सिस्टर उस अपने प्रार्थना के बारे में इतना गंभीर है, इतना ज्यादा ईर्ष्यालु है कि मैं प्रभु के साथ प्रभु को मिलने के लिए जाती हूँ यहाँ पर और मैं प्रभु के साथ बातचीत करती हूँ, दरवाजा बंद करके मैं प्रभु से मांगती हूँ। आज मुझे पक्का विश्वास है कि प्रभु दर देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा विश्वास है। प्रार्थना करना मतलब दुख उठाना, प्रार्थना को उपास करना मतलब दुख उठाना, प्रचार करना मतलब दुख उठाना, बेइज्जती सहन करना मतलब दुख उठाना। परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम दुख उठाओ, उठाओ प्रभु के लिए दुख, टेको प्रभु के सामने घुटने, निकालो प्रभु के सामने आंसू, मांगो प्रभु के पास रो रो के। कभी कभी ये तकलीफें मुसीबतें समस्याएं हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हमारे आंसू निकले प्रभु की उपस्थिति में, हम आंसू बहा बहा के प्रार्थना करें, हम आंसू बहा बहा के प्रार्थना करें। जब विश्वासी व्यक्ति जब आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता है, प्रभु उसके लिए कहता है कि तेरे एक एक आंसुओं को मैंने कुप्पी में रखा हुआ है। हालेलुया, यस। फिर सातवीं बात, प्रभु की क्या इच्छा है। प्रभु की इच्छा यह है कि हम अपने परिवार की, अपने झुंड की रखवाली करें। पहला पत्रस पांच अध्याय और उसके चौथे वचन, कौन से वचन है, दूसरे वचन से पढ़िए कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। हाँ, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के उस झुंड की, अर्थात जो तुम्हारे बीच में रखवाली, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। हमारा एक हमारी भेड़ गा रही है, भेड़ की प्रार्थना करो, अपने झुंड की रखवाली करो। आपको परमेश्वर ने पापा बनाया है, आपको परमेश्वर ने सेल ग्रुप लीडर बनाया है, आपके सेल ग्रुप लीडर की रखवाली करो। आपके अंडर प्रभु ने कुछ लोगों को रखा है कि वे आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और जब तक वो आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे आपको अस्वस्थता आनी चाहिए, आपको बेचैनी आनी चाहिए, आपको आपके आंखों से आंसू की धारा बहनी चाहिए, और हम सब मिलके उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परिवार है जिनके परिवार के सदस्य अभी प्रभु के भवन में नहीं आ रहे, जवान लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे, कोई लोग पुरुष लोग नहीं आ रहे, तो कोई जो है महिलाएं नहीं आ रही है। अपने झुंड की रखवाली करो, अपने झुंड की रखवाली करो मतलब ये सिर्फ उनको खाने पीना के लिए नहीं देना, उनको आत्मिक भोजन खिलाते रहो, आत्मिक भोजन खिलाते रहो। जो प्रभु के भवन में नहीं आता है
उसको उसके उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, जब वो सो जाता है तो उसके ऊपर हाथ रख के स्तुति भेंट पढ़ो। मैं आपको ग्यारह में देखे कहता हूं कि प्रभु परमेश्वर उसको लाएगा, फेर के लाएगा, बंधन तोड़ेगा और प्रभु आशीषित करेगा। अपने झुंड की रखवाली करो, हमारी भेड़े भटकने नहीं चाहिए। बहुत सारे चर्चेस में क्या करते हैं आजकल, उनका चर्च कैसे बढ़ रहा है, इस चर्च से दो चार मेंबर ले लिए, उस चर्च के दो चार मेंबर ले लिए, इस चर्च से दो चार मेंबर ले लिए, यहाँ से भी खींच लिए, वहां से भी खींच लिए। देखो हमारे पास इतने लोग हो गए, देखो हमारे पास इतना बड़ा चर्च हो गया, लेकिन वो एक एक व्यक्ति के लिए जो है हम देखते ना, वो जच्चा किसी पीड़ा सहन करने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो सिर्फ जो है दूसरे चर्च के लोगों को छीनना है और अपनाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमने दूसरे लोगों के चर्च को कभी छीना नहीं, और इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमारे चर्च में से ही कोई लोग जो जाने नहीं दिया। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर ने हमारे चर्च की चोरी होने से रक्षा की। अपने झुंड की रखवाली करो, जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो। नियो आज आपको परमेश्वर ने एक रखवाली का, पहरेदार का, हालेलुया, एक रोल दिया। अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने अपने जो लोग खोए हुए हैं, अपनी बहन रानी के लिए प्रार्थना करो। ओ प्रभु परमेश्वर, हमारी भेड़े प्रभु परमेश्वर तितर बितर होने ना पाए, हमारी भेड़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आपको परमेश्वर ने, हो सकता है आप एक लड़का हो, छोटा लड़का हो आप घर में, लेकिन आपको बड़े बड़े बुजुर्ग माता पिता के और भाई बहनों के पास्टर बना दिया उन्होंने, और उसके द्वारा आपके द्वारा ऐसे वो हुआ है। एक ही लड़का चर्च में आता था, और आज के डेट में ऐसा हुआ है उसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग प्रभु के भवन में आ रहे हैं। एक छोटा लड़का, एक छोटे लड़के के द्वारा सारा परिवार प्रभु के पास आया। ताली बजाए प्रभु के लिए। एक माता आया करती थी, उस माता के द्वारा पिता भी आया और बच्चे भी आ गए, और वो माता रो रो के प्रार्थना कर रही थी अपने परिवार के लिए कि प्रभु तू सब बोला, अपने झुंड की रखवाली करो। हो सकता है कि एक ही पुरुष चर्च में आ रहा है, उसकी पत्नी नहीं आ रही, बच्चे नहीं आ रहे, गलत रास्ते पे। पुरुषों रो रो के प्रार्थना करो, आपकी झुंड की रखवाली करो, ऐसा ना हो कि वो नरक में जाए। और आखिरी बात, आखिरी हीरा लेके आप जो है यहाँ पे मैं बंद करूंगा। अरे आखिरी हीरा क्या है पता है? हालेलुया, पहला तीमोथियुस दूसरे अध्याय और उसके चौथे वचन में वो ये जानता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचानेंगे। इंग्लिश में इसका वर्जन बड़ा सुंदर है। परमेश्वर ये चाहता है कि किसी का नाश ना हो, कोई किसी का नाश ना हो, यह परमेश्वर चाहता है, किसी का भी नाश ना हो। हमारे मराठी में भी लिखा है, ये चाहता है किसी का नाश ना हो, परंतु वह उनका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, सत्य को भली भांति पहचान ले। जी हाँ परमेश्वर के लोगों, यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप परमेश्वर को हालेलुया भली भांति पहचाने और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के ऊपर आए। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? और प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की स्तुति करें। बहुत सारे लोग जो है इधर उधर अपनी जिंदगी बेकार में जो है व्यतीत कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर की महिमा हालेलुया हमारे जीवन के द्वारा हो। तो आज हम सात बातें देखी, कौन सी सात बातें? पहली बात, सात हीरे कौन से हैं? परमेश्वर क्या इच्छा है? शाबाश, हम परमेश्वर की सेवा करें। दूसरी बात, प्रार्थना करें, वेरी गुड। तीसरी बात, परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़े, वेरी गुड। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण हो। और ये चौथी बात, पवित्र बनो, जैसे प्रभु कहते हैं मैं पवित्र हूँ, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पांचवा हीरा, भले काम करना है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। हमें बुरे काम करने के लिए प्रभु ने जो है जगह नहीं दी है, जीवन नहीं दिया। बुरे विचार भी रखना नहीं है, भले काम करना है। छठवीं बात,
प्रभु के लिए दुख उठाना है, शाबाश, प्रभु के लिए दुख उठाना है हमको, हालेलुया, ट्रैश बांटने के लिए, हालेलुया, बेइज्जती सहन करनी है, लोगों तक जाना है, ये जिंदगी प्रभु ने हमको दी है दुख उठाने के लिए। सातवीं बात, अपने झुंड की रखवाली करो, अपने परिवार की रखवाली करो। आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति नरक में जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि कोई किसी का भी नाश ना हो, हालेलुया, चाहे वो अपने एग्जाम में फेल हो जाए, होने तो फेल कोई बात नहीं। मेरे बच्चों को मैं ये बोलता था, भैया तुम फेल हो जाएंगे ना, फेल हो जाए, मैं तुझे कुछ बोलने वाला नहीं। बच्चे इतने खुश हो जाते थे, मैं इतना टेंशन नहीं देता बच्चों को, अरे तू पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ रहे, अरे पढ़ रहे। मैं भैया तुम चाहे फेल हो जाए तो फेल हो जाए, एक बात है, बाइबल नहीं पढ़, बाइबल में फेल नहीं हो, बाइबल में पक्का पकड़ के रहना है, प्रार्थना करनी है बहुत ज्यादा, जो होगा वो होगा, ठीक है, प्रभु तुम्हें कभी जो है भूखा नहीं मरने देगा, क्योंकि मैं पास्टर हूँ, पास्टरों के बच्चे कभी भूखे नहीं मरते। परमेश्वर का दास कहता है मैं जवान था अभी बूढ़ा हुआ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन धर्मी के बच्चे के भी टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा। परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करता है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे चर्च में कुछ लोग हैं जिनके परिवार के लोग जो है पास्टर थे, उनके नाना या दादा या पापा या जैसे, और उनके धर्मी रहने के कारण परमेश्वर की आशीष हमारे चर्च के लोगों के ऊपर आ गई है। अरे कोई हल तो ताली बजाओ प्रभु के लिए इस बात पे, हालेलुया, यस। तो झुंड की रखवाली करो, मेक श्योर दैट एवरीवन विल बी इन द चर्च फ्रॉम योर फैमिली, आपके परिवार का हर एक व्यक्ति प्रभु के भवन में आए, मेक श्योर दैट एवरीवन विल बी देयर फॉर द फैमिली प्रेयर। आराधना की जो है वेदी बनाओ घर में, सीमेंट की या ईंटों की नहीं, लेकिन लोगों की, जीवित पत्थरों की वेदी बनाओ घर में, सब लोग मिलकर बैठ के प्रार्थना करो, अपने झुंड की रखवाली करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात क्या है, परमेश्वर की इच्छा है कि किसी का नाश ना हो, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो, यह परमेश्वर की इच्छा है, किसी का भी नाश ना हो, यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, कोई भी हो, हमने उनके धर्म को बदलना नहीं चाहते हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उनके लिए बहाया गया वो उनके लिए खाली ना जाए, वे प्रभु को ग्रहण करें, उनके पापों की क्षमा हो। प्रभु की इच्छा है कि किसी का उद्धार, सबका उद्धार हो, किसी का नाश ना हो। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी आशीष हमारे ऊपर दे। आज हमने तीन बातें देखी, कौन सी तीन बातें, किसी को याद है? इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करें, लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए प्रभु यीशु आया। प्रभु यीशु मसीह का ये दावा है। दूसरा दावा कौन सा था प्रभु यीशु मसीह का? नियमों को पूरा करने के लिए, व्यवस्था को पूरा करने के लिए, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए नहीं आया, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आया। और तीसरी बात मैंने कौन सी बताई? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। इसमें 7-8 पॉइंट है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही लिया आज। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आइए हम दुआ करेंगे। आज मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हालेलुया प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के सच्चे दिल से प्रभु से कहें, प्रभु जी हालेलुया मेरे भी जीवन का मकसद यही होना चाहिए, प्रभु जी हालेलुया पवित्र पवित्र सेनाओं के युवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी तेरे लोगों को तू आशीषित कर, प्रभु तूने बहुत बार कहा मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाए, मैं इसलिए आया परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि शैतान कामों को नष्ट करे, इसलिए आया कि मैं नाश करने के लिए जीवन देने के लिए आया, मैं इसलिए आया ताकि जगत की ज्योति बन के आया, मैं इसलिए आया ताकि जगत के लोगों को उद्धार करने के लिए आया, इसलिए आया ताकि मैं सत्य की गवाही में दे सकूं, लेकिन तूने ये भी कहा मैं इसलिए नहीं आया। हालेलुया, आज प्रभु हालेलुया इस वचन पर हमने ध्यान किया और हमें प्रभु परमेश्वर आज तुमने बहुत आशीषित किया है। आज हमारी प्रार्थना है हर एक व्यक्ति को आज आशीषित कर,
जो जो व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहे हैं, आप प्रभु एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनकी सारी बीमारी गायब हो जाए। हे प्रभु तू इसलिए आया था कि प्रभु हमको खुश करे, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इसलिए आया था कि प्रभु हमारी सेवा करे, हमारी सेवा कर प्रभु तू। हे प्रभु जो आज एक एक व्यक्ति की सेवा होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति के बंधन टूटने चाहिए, प्रभु की सेवा हर एक को मिलनी चाहिए, प्रभु का आनंद हर एक को मिलना चाहिए। और उनके बंधनों पर आज मैं दौड़ देता हूँ, आज उनकी सारी बीमारी को यीशु के नाम से मैं गायब कर देता हूँ। हे प्रभु उनकी सारी बीमारी यीशु के नाम से गायब हो जाए, हालेलुया। आज उनकी जो सारी चिंताएं, वो सारी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से शून्य हो जाए, वो सारी शैतानी आत्मा उनके जीवन से दूर हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा छन्न हो जा। हे प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक उतारने दे। तू खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया प्रभु। बहुत सारे कलवरी चर्च के लोग खोए हुए प्रभु जी, हे प्रभु जी वो जेल में खोए पड़े हुए प्रभु जी, और उनको बंद करके रखा गया प्रभु जी, वो शराब की जेल में प्रभु जी, वो झूठ की जेल में, वो गुस्से की जेल में, वो विचार की जेल में, वो गंदे की जेल में, दुष्ट लोगों के कब्जे में प्रभु जी हमारे लोग, आज उनको मैं यीशु के नाम से आजाद कर देते हैं, आजाद हो जाए यीशु के नाम से। हमारी बहन रानी को तू आजाद कर दे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, सारे बंधनों को तोड़ दे रहा यीशु, तेरी पवित्र आत्मा जोरों से पढ़ रहा है प्रभु, तेरे लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु, तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। और तूने कहा कि अपनी झुंड की रखवाली करो, इसलिए हमने प्रभु ये सारा सप्ताह उपवास रखा प्रभु जी, और इसलिए प्रभु ये सारा सप्ताह में प्रभु हमने उपवास किया प्रभु जी। ओ खुदाबा अब तू परमेश्वर हमारी प्रार्थना को दर दे, हमारा प्रार्थना, हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच रही है प्रभु जी, उत्तर भेज पिता प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को जो ऐसे पाप के जेल में पड़े प्रभु जी, आज उनको मेष के नाम से आजाद करते हैं। हर एक ऐसा बच्चा जो जवान बच्चा जो कैलवरी चर्च को नहीं आ रहा है प्रभु जी, पहले आते थे लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं, आज उनके जेल को हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। एक एक व्यक्ति प्रभु आए पिता परमेश्वर, हालेलुया यीशु के नाम से आए, उनके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग गायब हो जाए यीशु के नाम से, उनके सारी गड़बड़ियां यीशु के नाम से मैं श्रापित कर देता हूँ। हर एक व्यक्ति का सारा परिवार प्रभु तेरे भवन में आए, जो जो टारगेट हमने बनाया प्रभु जी, वो सारे के सारे टारगेट प्रभु तेरे भवन में आने पाए यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु तूने हालेलुया कहा कि पिता की ये इच्छा है कि जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है उनमें से एक भी ना खोऊं, एक भी ना खोऊं। हाँ प्रभु जी हम एक को भी नहीं खोना चाहते प्रभु, एक को भी नहीं खोना चाहते। हे प्रभु जी एक बार फिर से बंधन तोड़ दे, एक बार फिर से वो बंधन तोड़ दे, एक बार फिर से वो जंजीरें तोड़ दे राजा, जंजीरों से जगने को, जंजीरों से मुक्त होना है, घायल हुए सभी लोगों को कलवरी के पास आना है, ले आओ कलवरी चर्च में राजा, ले आओ कलवरी चर्च में राजा, उनके सारी बीमारियां दूर न दे, उनके सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर न दे, उनके मन के विचार तू बदल दे प्रभु जी, उनके प्रभु सारे ऐसे प्रभु रुकावटे वो सारे पहाड़ में यीशु के नाम से ठा देता हूँ यीशु के नाम से, और उनका रास्ता क्लियर कर प्रभु जी, ताकि वो तेरे भवन में आके तेरी आराधना कर सके। हमारी बहन रानी आके आराधना कर सके राजा, हे प्रभु यहोवा हालेलुया, जब तुझे पुकार दे राजा यीशु, पुकार दे प्रभु यीशु राजा, हमारी दुआ कबूल कर पिता प्रभु जी, धन्यवाद। जैसे हम अपने अपने घर जाते हैं हमारी सहायता कर, अब शाम के 6 बजे की जो मीटिंग है प्रभु जी उसको भी तू आशीषित कर, और प्रभु परमेश्वर पिता तेरी पवित्र आत्मा मंडल ने दे, और प्रभु बहुत बड़ा अभिषेक उस मीटिंग में रहे, और प्रभु जवानों की हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर पिता इंग्लिश सभा को आशीषित कर प्रभु जी, और तेरी महिमा हमें दे, आदर महिमा सम्मान तुझको देते हैं पिता प्रभु जी, हालेलुया सारी महिमा तुझको देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु जी, तूने प्रार्थना सुनिए प्रभु, बंधन तोड़ने जा रहा है प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तूने हमको आशीषित किया प्रभु जी, हमें हमें ब्लेसिंग मिल गई है प्रभु जी, ओ हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम यहाँ पे एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे परिवार के लोग छुड़ाए जा रहे हैं प्रभु जी, छुड़ाए जा रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, ओ योर रिडीमिंग नेम ऑफ गॉड, हालेलुया, ओ कंप्लीट डिलीवरेंस
deliverance right now. Hallelujah. We are sending complete deliverance for them, oh God. Hallelujah. Oh, word of redemption. Hallelujah for them right now. Oh, Rababa Shandara Barabaraba. Oh, Rababa Shandara Barabaraba. Azadore Prabhuji. Azadore Prabhuji. और जैसे प्रभु जी नूह की नौका में, नूह के जहाज में वो आए प्रभु जी, वो सारे प्राणी हालेलुया, वो सारे के सारे लोग कैलवरी चर्च में आ रहे प्रभु जी, और जो हमारे पहले थे प्रभु जी उनके ऊपर हमने फिर से हालेलुया अपना कब्जा कर लिया प्रभु जी, हमने क्या तूने कब्जा कर लिया प्रभु जी, तू उनके ऊपर कब्जा कर रहा है, तू उनको चलाने जा रहा है प्रभु जी, धन्यवाद तो जवानों को प्रभु जी खास करके हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक पड़ी रहे, आमेन आमेन आमेन। सब कुछ है मसीह की, प्रभु आपको आशीष करे। शालोम शालोम शालोम।